आज हम लोग गाड़ी लगा रहे हैं होंडा अमेज, और आपके सामने है फिलिंग वाल, और ये है आपका CKP क्रैंक सेंसर एडवांसर, और इसका इमरजेंसी होल्डर है, और ये ECU है EX का, और ये हाई राइज वालों का है। यहाँ आपका लैपटॉप का जो है आउटपुट लग जाएगा, डाटा केबल, और ये प्रेशर घड़ी है। आप एयर फिल्टर लगाने के बाद भी इधर से आराम से दिख सकते हैं, और पाइपलाइन के साथ साथ जो है क्लिप हर जगह जो टाई बेल्ट होता है वायरिंग वाला टाई वो ज़रूरी होता है, तो हमने टाई लगा रखी है। और पाइपलाइन के साथ आपको दिखा दें, मैप सेंसर है, और ये है आपका मैप सेंसर के साथ आपका इंजेक्टर। और मैप सेंसर का सबसे अच्छी बात ये होती है कि दिशा जो है थोड़ा तिरछा भी हो कैलिब्रेशन पे आ जाता है। और इंजेक्टर का जब भी लगाएं ABCD देख लें, और बेल्ट के तरफ से एक नंबर चलता है, और नोजल का जो है लास्ट पॉइंट पे मैनिफोल्ड से बिल्कुल चपका हुआ है और थोड़ा सा तिरछा है जैसे कि आप देख रहे होंगे, और यहाँ क्लिप लगने की थोड़ी सी जगह कम होती है, लास वलास नहीं चल पाता, चूँकि पतला पाइप है तो उसे दिक्कत नहीं है और ना ही तो कोई परहेज है, तो इस तरह से और इंजेक्टर ना हिले इसके लिए जो है विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं टाई मार देते हैं, इंजेक्टर पर टाई थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, और क्लिप रहता है थोड़ा सा हिलता डुलता कम है। और दूर थोड़ा सा हम करके दिखा रहे हैं आपको ताकि और अच्छे से दिख जाए सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएँ जो जैसे है। और एयर फिल्टर भी हमारा लगना है यहाँ पे, और स्लिप ये लगा हुआ है पाइपलाइन पे। स्लिप एक तरह का जो है आप कह सकते हैं कि जैसे पहले स्लिप कटेगा भाई, देखो कोई पहली चीज़ तो ये सारी पाइपलाइनों से जो है सारे पार्ट्स कहीं पर भी छुआ हुआ नहीं दिखेगा। और आपको दिखा रहे हैं एयर फिल्टर जो हम बोलते रहते हैं ना अक्सर चेक करने के लिए, वो एक बार चेक करना ज़रूरी होता है कभी भी गाड़ी में, एयर फिल्टर बांधने से पहले एक बार ज़रूर देखें, देखिए कितना साफ़ है। साफ़ का मतलब गंदा है, कुछ ज़्यादा ही गंदा है ये एयर फिल्टर, और ये गंदगी नुकसान करती है कहीं ना कहीं। और हाँ ये देखिए, ये सीधे वाल पे जा कर के ना धीरे धीरे डस्ट बैठता है, तो आप लोग भी इसको ध्यान दीजिएगा। अभी मैं पटक के थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी देखिए देखिए निकला जैसे बारिश हुई वैसे निकला। और ये लुब्रिकेंट वाला उस पर कचरा है, तो ये जो है एयर फिल्टर चेंज करने वाला है, एयर फिल्टर चेंज करने के लिए हम बोल देंगे, तो एयर फिल्टर चेंज होगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आपको पीछे दिखा रहे हैं, तो पीछे आप देखिए स्टेपनी भी अपने जगह पे आ गया आराम से, और ये नट भी लग गया स्टेपनी वाला, जिससे कि स्टेपनी हिले डुले ना, है ना। और ये आपका सिलेंडर कवर लगा हुआ है, और सिलेंडर कवर के साथ साथ जो है अब ऑनलाइन किट में कोई सरदर्दी नहीं है, टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है, ऑनलाइन किसी भी कंपनी के आप लगाइए सब बढ़िया है और सब अच्छा चलता है, कंपनी चाहे जो भी है भाई, रिप्लेस तो सब में निकलता ही निकलता है, तो ये क्यों कह दें कि भाई रिप्लेस किसी में आता ही नहीं है। हाँ अगर रिप्लेस ना आने वाली हो तो एक अलग बात है, और हमें लगता है कितना काफ़ी है। और आपको एक बार और दिखा दें फिनिशिंग कैसा है, फिनिशिंग इसका मैट डाल करके, ये हमने मैट डाल के फिनिशिंग दिखा दिया। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।